नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सुपर टेट में लगातार अनुपात समानुपात का आपको डायलॉग सुनने को देखने को मिलता है, परंतु कई ऐसी न्यूज लगातार प्रकाशित होती रही है जिसमें अनुपात समानुपात के धज्जियां उड़ती हुई आपको दिखाई देंगे। जैसे कि एक पहली न्यूज ये है, एक और न्यूज की मैं बात करूंगा जहां पर आपको देखने को मिलेगा श्रावस्ती से न्यूज, जहां पर एक महिला अनुदेशक के पूरे भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। तो पहले पहली न्यूज से ही बात करते हैं, जहां पर 17 परिषदीय जो विद्यालय है उसमें शिक्षकों की कमी है। फतेहपुर से न्यूज है जिसमें संबद्ध शिक्षक सिर्फ एमडीएम बनवाने तक ही सीमित है। 218 शिक्षकों की तुलना में सिर्फ 38 की नियुक्ति है। नए सत्र में भी नगर के क्षेत्र में परिषदीय स्कूलों विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो पाई है। नगर क्षेत्र में 218 के सापेक्ष सिर्फ 38 शिक्षक कार्यरत है। 17 विद्यालय को शिक्षकों का इंतजार है। संबद्ध शिक्षक सिर्फ एमडीएम पकवाने तक ही सीमित है। ऐसे इन स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो अधर में है। आरटीई की मानक के तहत 30 छात्र संख्या पर एक शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके सापेक्ष नगर क्षेत्र के स्कूलों में 2011 के बाद से शिक्षकों की तैनाती न होने से 80% पद खाली हो चुके हैं। एक ही शिक्षक अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय समेत सभी विषय पढ़ा रहा है। एमडीएम बनवाने, डीबीटी पोर्टल में अभिभावक के खाते में रुपए ट्रांसफर करवाने के साथ हाउस होल्ड सर्वे का भी जिम्मेदारी सब एक ही टीचर के हाथों में है। फतेहपुर नगर क्षेत्र के 37 स्कूलों के 5,929 बच्चों के पढ़ाने के लिए सिर्फ 38 शिक्षकों की व्यवस्था है। सोचिए कितना यहाँ पर अनुपात समानुपात का खेल है। शिक्षकों के 633 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। स्कूलों के 633 बच्चों को पढ़ाने के लिए साथ ही साथ रिपोर्ट बनाने से नहीं है फुर्सत। जहाँ पर एकमात्र शिक्षक को विभागीय रिपोर्ट बनाने से फुर्सत नहीं है, ऐसे में नगर क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एमडीएम परोसा जा रहा है। अब यहाँ पर जो बीएससी हैं भारती त्रिपाठी, उनके उन्होंने क्या कहा कि नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, ये समस्या पूरे प्रदेश की है। यहाँ पर ये खुद कह रहे हैं। साथ ही शासन स्तर पर नगर क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति विचार मंथन चल रहा है, जल्द नगर क्षेत्र में शिक्षकों का संकट दूर होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षा मित्रों के भरोसे, जिसको लेकर के हमेशा यहाँ पर जो शिक्षा बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो अनुपात समानुपात गिना देते हैं, उनके भरोसे पढ़ाई चल रही है। कंपोजिट विद्यालय काशीराम कॉलोनी अस्ती में कक्षा 1 से 8 तक के 149 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक नियुक्त है, लेकिन इसके पास अन्य स्कूल का प्रभार है। इसी तरीके से प्राथमिक विद्यालय मसवानी में 118 बच्चे पंजीकृत हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। यहाँ पर भी एक शिक्षा मित्र संबद्ध है। उससे वो चलीजिए क्या हालत है असली धरातल पर। अगली अपडेट भी देखेंगे तो 2017 से स्कूल में नहीं हुई है एक भी स्थायी शिक्षकों की तैनाती। विद्यालय में अपने बच्चों को प्रवेश लेकर के पूरे साल पछताते रहते हैं अभिभावक। एक महिला अनुदेशक जो है उनके भरोसे पूरा पूरा स्कूल चल रहा है। श्रावस्ती से न्यूज है जिसमें गणित विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही है। साथ ही यहाँ पर जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने कहा है कि विद्यालय का प्रभार मेरे पास है, लेकिन जहाँ मेरे स्थायी तैनाती वहाँ मुझे अपने खुद के विद्यालय से समय नहीं मिलता है। मेरे स्कूल में भी बच्चों की संख्या अधिक है, महिला अनुदेशक किसी तरह बच्चों को संभालती हैं। और यहाँ पर भी वही अनुपात समानुपात को गिनाया गया है। बाकी आप न्यूज़ के शीर्षक से इस प्रकार की समस्याओं से पूरी तरीके से जो है अवगत हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो सारे आर्टिकल निकल करके आते हैं ये लेकर के जाना चाहिए और जो असली धरातल पर जो शिक्षक अनुपात की बात की जाती है उसको दिखाना चाहिए। ज्ञापन सौंपते समय इनका आर्टिकल लगाना चाहिए, ट्वीट करते समय इसको टैग करना चाहिए ताकि जो असल स्थिति है वो भी पहुंचाई जा सके। वैसे तो पता सबको ही है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बस टाइम पास किया जा रहा है। बाकी यही था ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।